परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 9 ममता कहानी के बारे में। ममता कहानी के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, एक एक वाक्य में प्रश्न और दो दो वाक्य में प्रश्न हमने देखे थे, और क्वेश्चन 3 के दो प्रश्न देखे थे सविस्तार उत्तर के। अगला प्रश्न हम देखेंगे इस वीडियो में। अगला प्रश्न है कि हुमायूं को आश्रय देने में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी। हुमायूं को आश्रय देने में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी, कि वो क्यों डरती थी, क्यों हिचकिचा रही थी कि हुमायूं को आश्रय देने के लिए। तो ममता को हुमायूं को आश्रय देने में ममता हुमायूं के मुंह से शेरशाह का नाम सुनकर ममता का हृदय घृणा से भर गया। घृणा यानी कि नफरत से भर गया था। शेरशाह का छल कपट और क्रूर व्यवहार उसने देखा था। उसने आश्रय चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह जैसा ही क्रूर और स्वार्थी लग रहा था। ममता ने सोचा कि यह विधर्मी दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ कि यह मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है, इसलिए हुमायूं को आश्रय देने में उसे पहले हिचकिचाह रही थी कि वो क्यों हिचकिचाह रही थी, क्यों कैसे क्यों डर रही थी कि हुमायूं को आश्रय देने के लिए। तो को हुमायूं के मुंह में शेरशाह का नाम सुनकर उसने कहा था ना कि हमने कहानी के सार में देखा था कि चौसा युद्ध से हुमायूं ने जब उसकी झोपड़ी में उत्तरकाशी के उत्तर में स्थित जहाँ ममता रह रही थी एक खंडर में, तो के वहाँ हुमायूं आया और उसने कहा कि मैं चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर यानी कि हार कर यहाँ पर आया हूँ। तो ऐसा सुनकर शेरशाह का नाम सुनकर ही वो चौंकने लगी, हिचकिचाने लगी कि मैं उसे आश्रय दूँ या न दूँ, क्योंकि उसने पहले देखा था कि ममता का हृदय घृणा से यानी कि नफरत से भर गया शेरशाह का नाम सुनते ही, क्योंकि शेरशाह ने भविष्य में उसके पिता को रिश्वत दी थी और उसके पिता का वध कर दिया, मंत्री पद छीन लिया, उसका किला और राज्य भी छीन लिया। तो कि ये उस व्यवहार से ममता डर रही थी, उसके ये नफरत पैदा हुई और वह कर रही थी कि उसके पिता का वध भी उसने किया था। तो कि ये शेरशाह का छल कपट और क्रूर व्यवहार वो पहले से देखा था कि कैसे छल कपट करके रिश्वत देकर उसने उसका पिता का वध कर दिया और उसका मंत्रित्व पद छीन लिया, तो कि उसका किला छीन लिया, तो कि ऐसे मंत्रित्व पद छीन गया उसका, वो सब छीन जाने के बाद उसका छल कपट व्यवहार उसने देख लिया था कि उसके रिश्वत देकर सोने के थाल भर भर कर मेरे पिता को रिश्वत दिया और बाद में उसका चुड़ामणि का वध कर दिया, और किसी भी तरह ममता वहाँ से निकलकर काशी के उत्तर में स्थित वो पुराने खंडहर में रहने लगी। तो कि शेरशाह का छल कपट और क्रूर व्यवहार वो पहले से ही देखा था उसने। उसने आश्रय चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह जैसा ही क्रूर और स्वार्थी लग रहा था, कि वो भी मुगल भी शेरशाह हुमायूं भी शेरशाह की तरह स्वार्थी और कपटी भी होगा। ममता ने सोचा कि यह विधर्मी दया के पात्र तो नहीं है, वह विधर्मी दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ कि यह मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है। उसे ऐसा लगता था कि वह भी शेरशाह की तरह छल कपट कर सकता है, इसलिए हुमायूं को आश्रय देने में वह थोड़ा हिचकिचा रही थी कि जब शेरशाह की तरह वो भी विधर्मी लगा तो वो भी उसमें कुछ संदेह नहीं है, वह किसी भी तरह कपट वह भी शेरशाह की तरह छल कपट कर सकता है, इसीलिए वह आश्रय देने में हुमायूं को आश्रय देने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। अगला प्रश्न है कि ममता ने पथिक को आश्रय दे क्यों दिया। ममता ने पथिक यानी कि हुमायूं को आश्रय क्यों दिया। ममता विधर्मियों को दया का पात्र नहीं समझती थी इसीलिए आरंभ में उसे पथिक को आश्रय देने में हिचकिचाहट हुई। अगले प्रश्न में हमने देखा कि उसने कहा था, उसके द्वार पर आकर कहा कि चौसा युद्ध में वह शेरशाह से विपन्न होकर यानी कि दुखी होकर वहाँ से आया है और उसे एक रात के लिए उसकी झोपड़ी में आश्रय चाहिए। ममता उसकी दया के पात्र नहीं बन सकती थी, इसलिए आरंभ में उसे पथिक को आश्रय देने में थोड़ा हिचकिचाहट की, परंतु फिर उसने यह सोचा कि वह ब्राह्मण ही है और उसका धर्म है कि अतिथि देवों को सत्कार करना मेरा धर्म है,
उसे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। यह दया नहीं है, यह तो कर्तव्य है मेरा। यदि यह छल भी करेगा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है। सब भले ही अपना धर्म छोड़ दे, वह अपना धर्म क्यों छोड़े। कर्तव्य पालन की इसी भावना से प्रेरित होकर ममता ने पथिक को आश्रय दिया, क्योंकि शेरशाह का नाम सुनकर उसे भी शुरू में हिचकिचाहट हुई कि वह इसलिए आरंभ में पथिक को आश्रय देने में वह थोड़ा हिचकिचाह रही थी कि वह दया का पात्र नहीं है। फिर भी उसने सोचा कि वह ब्राह्मणी है, कि मैं ब्राह्मणी हूँ और उसका धर्म अतिथि देवों का सत्कार करना मेरा धर्म है। उसके अपने अतिथि धर्म का पालन मुझे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। यह दया नहीं है, मैं उस पर दया नहीं कर रही हूँ, पर यह तो मेरा कर्तव्य है कि मैं ब्राह्मणी हूँ और अतिथि देवों का सत्कार करना मैं अपना कर्तव्य मानती हूँ। मैं उस पर दया नहीं करती। यदि यह छल भी करेगा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है। सब भले ही अपना धर्म छोड़ दे, कि सब लोग अपना धर्म भले ही छोड़ दे, पर वह तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूँ। कर्तव्य पालन की इसी भावना से प्रेरित होकर ममता ने हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया। अगला प्रश्न है कि मरणासन ममता ने अश्वारोही से क्या कहा। जब मरणासन और ममता ने अश्वारोही जब वह मरण उसका शरीर जर्जरित हो गया था, मरणासन यानी कि उसका शरीर अवरुद्ध हो गई है, उसका शरीर जर्जरित हो गया है, तो कि ऐसी परिस्थिति ने ममता कि हुमायूं के चले जाने के बाद उसके मंत्री जब उसे खोजते हुए वहाँ पहुँचे हुमायूं के, तब उसके मंत्री से कहा था हुमायूं ने कि मेरी जगह यहाँ उसकी जगह मैं यहाँ ममता को कुछ दे नहीं सका, परंतु उसके उसकी जगह पक्का मकान, उस स्त्री को उसकी जगह उसकी झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनवा देना। तो कि मरणासन पर जब वह मरण संया पर यानी कि अब वह उसका अंतिम समय नज़दीक आ गया था, उसका शरीर जर्जरित हो गया था, अब वह वृद्ध हो गई थी, 70 साल की हो चुकी थी, तो के अश्वारोही से कहा कि मैं नहीं जानती कि वह बादशाह था या साधारण मुगल था, कि जिसने मैंने आश्रय दिया था वह बादशाह था या साधारण मुगल था वो मुझे पता नहीं है, परंतु वह इसी झोपड़ी में रहा था। कि ममता ने बाहर से झोपड़ी से बाहर एक अश्वारोही यानी कि घुड़सवारी को देखा, तब उसने ममता ने के पास जो 2-3 गांव की स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी और वो खोजते खोजते ममता की झोपड़ी के पास आए, तो ममता ने उसे अश्वारोही को देखा, घुड़सवारी को देखा और उसने अपने पास बुलाया। तब घुड़सवारी ने ममता से कहा कि मैं उसे जानती नहीं हूँ कि वो बादशाह था या साधारण मुगल था, परंतु वह इसी झोपड़ी में रहा था। वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा देकर गया था कि हाँ, मैंने बाहर की झोपड़ी में जब मेरी झोपड़ी में रहा, तब मैं एक टूटी हुई दीवार के पीछे ये पूरी रात रही थी, और जाते समय उसने कहा था, उसने आज्ञा देकर गया था कि आज मैं इस झोपड़ी को छोड़कर अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ, कि मैं आज तो मरने जा रही हूँ, अब तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल बनवाओ। यह कहते जब मरने की पथारी पर मरण संया वृद्ध शरीर उसका जर्जरित हो गया था कि मरण संया पर वह पड़ी थी, तब वह अश्वारोही वहाँ पर आया और उसे ममता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि हाँ, बादशाह यहाँ पर ही रहा था, और वह बादशाह था या साधारण मुगल था वो मुझे पता नहीं है, परंतु वह इसी झोपड़ी में रहा था, वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा देकर गया था। आज मैं इस झोपड़ी को छोड़कर और हूँ जा रही हूँ इस झोपड़ी को छोड़कर मैं आज जा रही हूँ और मेरे अब तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल बनवाओ उसकी मुझे परवाह नहीं है, पर यह कहते बनवाओ या मुझे यह कहते कहते ही उसके प्राण पंछी यानी कि वह स्वर्ग में जा गई, स्वर्ग में पहुँच गई। कि ऐसे कहते कि तुम अब यहाँ पर महल बनाओ या मकान बनवाओ, मुझे उसकी फिक्र नहीं हो। वो ऐसे कहते कहते ही उस घुड़सवारी को ऐसे कहते कहते ही उसके प्राण पंखेरु उड़ गए यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया। अकबर ने अष्टकोण मंदिर
कब और कहाँ बनवाया? तो ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में विश्राम आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को वो उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद बीत जाने पर हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनना चाहिए। तो क्या ममता ने एक दिन, हमने अगले ये प्रश्न में देखा था कि एक दिन ममता ने थके हारे यानी कि हिचौसा युद्ध से विपन्न होकर शेरशाह से ये दुखी होकर हुमायूं भयभीत था, डरे हुए थे, तब ममता की झोपड़ी के द्वार पर आया और ममता की झोपड़ी में आश्रय दिया। उसकी जो ममता की उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। कि वो उसने कहा था कि शेरशाह का नाम सुनकर उसका हृदय घृणा, उसका हृदय में नफरत पैदा हो गई और शेरशाह का छल कपट और क्रूर व्यवहार उसने पहले से ही देखा था। और उसने उदारता का कारण बताते हुए हुमायूं से कहा कि तुम मुगल हो या एक साधारण बादशाह हो वो मुझे पता नहीं है, परंतु मेरा मेरा कर्तव्य है, मैं एक ब्राह्मणी हूँ और ब्राह्मणी का मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें अतिथि देव का सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। और उसी उदारता के कारण हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहाँ से लौटते समय हुमायूं ने अपने सेनापति, जब उसके सेनापति उसे खोजते ममता की झोपड़ी के पास आए तो उसके सेनापति ने हुमायूं के सेनापति मिर्जा से कहा कि उस विधवा स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, परंतु उसके झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवा देने का आदेश दिया हुमायूं ने। इस बात को बरसों बीत जाते हैं। अब हुमायूं का पुत्र अकबर था वो बादशाह बना। उस घटना का उसे पता चला था कि उसके पिताजी जब विपत्ति में वहाँ आश्रय मांगा था और अकबर को वह पता चला तो उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी, हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी, वहाँ एक स्मारक बनना चाहिए। इसी प्रकार उस अष्टकोण मंदिर में हुमायूं का नाम था और अकबर ने ही उसे बनवाया था, परंतु ममता का नाम कहीं भी नहीं था। ये थे सविस्तार उत्तर। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों की बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।